हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आईटी एग्जाम स्टडी। मैं चंदन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट यानी सूचना सहायक की वैकेंसी आ चुकी है 2023 में और वो बहुत बड़े पदों पर आई है। इससे पहले लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 2018 में आई थी, जो कि और आज 5 साल के इंतजार के बाद ये वैकेंसी फाइनली आपके सामने है। RSSMB ने अभी 5 दिन पहले ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया है इस वैकेंसी के बारे में। तो जैसे ये वैकेंसी आउट हुई है उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आने चालू हो गए हैं और उन्हीं क्वेरीज एंड क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैंने आज एक वीडियो बनाया है। बहुत शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप सभी का, और इसमें आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको शायद बोर्ड पर दिख रहे होंगे, इन पॉइंट्स पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं और एक एक करके आपकी इन सभी इससे रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारी आई होप इस वीडियो में पूरी हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है आपके माइंड में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं उसके लिए अलग से अगर क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी है इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट 2023 और टोटल पोस्ट कितनी है, 2730 पोस्ट है, जिसमें से नॉन टीएसपी एंड टीएसपी। नॉन टीएसपी की आपके है 2415 और टीएसपी की है 315। अब इनका कैटेगराइजेशन क्या है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो सब आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। बट फाइनली भी मेरा मकसद था कि ये जो नंबर है ये एक बहुत बड़ा नंबर है 2730, ठीक है, इस पर फोकस करना है आपको। लॉगिन विंडो, सेकंड है लॉगिन विंडो क्या रहने वाली है, इट मींस आप फॉर्म, आपके जो फॉर्म फिलिंग होगी वो कब से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी। तो फॉर्म फिलिंग के लिए आपकी जो डेट है वो दी हुई है 27/1/2023 और क्लोज कब होंगे 25/2/2023 मिडनाइट, और 11:59। तो 25 को आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाएंगे, तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें और जल्दी से जल्दी जैसे स्टार्ट होता है फॉर्म फिल कर दें अपना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन। ये ज्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है कि सर क्या मैं एलिजिबल हूं इस वैकेंसी के लिए। तो सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि क्वालिफिकेशन में एक सिंपल सा फंडा समझिए, कंप्यूटर चाहिए। किसका एग्जाम है, कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट है, तो कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन एसेंशियल है। अब कंप्यूटर में आपके पास कोई भी डिग्री हो चलेगा, तीन या चार साल की कोई भी डिग्री। डिग्री में आपके बीसीए हो गया, बीएससी आईटी एंड सीएस हो गया, एमएससी हो गया सीएस एंड आईटी, एमसीए हो गया, कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री होगी जो कि कंप्यूटर में हो, सीएस या फिर आईटी में। इसके अलावा एक और ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एप्लीकेबल है लेकिन इलेक्ट्रिकल्स नहीं है। हाँ, यह है कि आपकी जैसे कि बहुत सारी ऐसी ब्रांच है जिसमें दोनों आते हैं, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपके उसमें डिग्री में आना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। ये तो होगी डिग्री। डिग्री के बाद अगर बात करें, आपके पास कंप्यूटर में डिग्री नहीं है, कल डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा 1 ईयर एंड मोर, 1 साल या उससे ज्यादा का कोई भी डिप्लोमा है तो वो चलेगा। इट मीन्स डिग्री किसी भी 3 साल की कोई भी डिग्री होनी चाहिए प्लस डिग्री की बात करूं बी हो गया, बीकॉम हो गया या फिर बीएससी हो गया, किसी भी तरह की कोई डिग्री हो, साथ में 1 ईयर डिप्लोमा। 1 ईयर डिप्लोमा में क्या क्या आ सकता है आपके, ए लेवल हो गया, ओ लेवल हो गया, पीजीडीसीए हो गया, राइट, कोपा हो गया एंड डीपीसीएस हो गया। ये वो डिप्लोमा है जो 1 ईयर डिप्लोमा है, वैलिड डिप्लोमा है, जो कि किसी ना किसी डिग्री के साथ होने चाहिए, राइट। तो सिंपल सा फंडा है कि या तो फिर आपके पास 3 या 4 साल की कोई कंप्यूटर में ही पर्टिकुलर डिग्री हो या फिर कोई डिग्री प्लस 1 ईयर डिप्लोमा हो, राइट, तो आप एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। अब यहां पर 2 क्वेश्चन जो सबसे बड़े आते हैं वो आते हैं कि सर RSCIT अलाउ है क्या, तो माई डियर फ्रेंड्स नहीं RSCIT। सेकेंड जो क्वेश्चन आता है यहां पे सबसे ज्यादा वो आता है कि सर हमारे पास डिग्री तो है बीए या बीएससी या फिर बीकॉम, एंड इसमें एक कंप्यूटर का जो
ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो क्या हम एलिजिबल हैं, यानी कि इनमें कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपके पास कंप्यूटर था तो क्या आप एलिजिबल है? तो यहां पे मैं बोलूंगा कि नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। अगर एक सिंगल ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास कंप्यूटर का है इसमें, तो आप एलिजिबल नहीं है। या तो कंप्लीट डिग्री आपकी किसमें हो, कंप्यूटर में हो, या फिर अगर कंप्यूटर में नहीं है तो आपके पास 1 ईयर एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। तो आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर होंगी। एक इलेक्ट्रिकल्स वाले, वो भी एप्लीकेबल नहीं है, राइट? अब ये चीजें तो यहां तक होगी कि आपकी डिग्री कंप्लीट है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर अपियरिंग का क्या है, क्या मैं अपियरिंग हूं, मैंने इस साल एग्जाम मैं दे रहा हूं, या मैं मैंने मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? यस, आप एलिजिबल हैं, बट एक कंडीशन में। वहां पे जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि जो आपका टाइपिंग का एग्जाम होगा, अभी आपने फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न के बाद आपका टाइपिंग का एग्जाम होगा, तो जो टाइपिंग का एग्जाम होने वाला है उसकी जो डेट आएगी ना, उस तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। उस डेट तक अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप एलिजिबल है इसके लिए, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना, राइट? बट फिर भी फॉर्म भरो तो हमेशा फॉर्म तो फिल करके चलना। तो आई थिंक यहां तक के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया सेम है 21 से 40 साल का, ठीक है, जो सभी वैकेंसीज में होता है। बट एक सिंपल सा यहां पे 3 साल का एक्सटेंशन है आपके लिए, यानी 43 ईयर चल जाएगा, बिकॉज कोविड की वजह से जो गाइडलाइंस है, रेगुलर गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस हमें 3 साल का एक्सटेंशन सभी में दिया जा रहा है वो है। उसके अलावा जो आपका एसटी, एससी, वुमन एंड ओबीसी, इनका जो क्राइटेरिया, जो एज रिलैक्सेशन आता है वो आपका है ही, ठीक है? तो ये इसमें आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो है सीटी रिक्वायर्ड। क्या सीटी रिक्वायर्ड है क्या इसके लिए? तो नहीं, ये एग्जाम सीटी से नहीं हो रहा है, सीटी इसके लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट कि सर एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम अभी आरएसएमबी ने जो दी है टेंटेटिव, वो जुलाई दी है, जुलाई 2023 तक आपका एग्जाम ले लेगी, तो जुलाई 2023 में आपका एग्जाम हो जाएगा, ऐसा बोर्ड ने कहा है, टेंटेटिव उसने मंथ दिया है कि जुलाई 2023 में वो आपका एग्जाम ले लेंगे। बट मैं ये मान के चल रहा हूं, या जो मुझे इतना जानकारी इंटरनल जो मेरे पास न्यूज है वो ये है कि आपको गवर्नमेंट ज्वाइनिंग देके जाएगी दिसंबर में इलेक्शन होने से पहले। इट मींस ये मान के चलिए आप अक्टूबर तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो आप बी श्योर, बी प्रिपेयर कि ये एग्जाम आपका है और आपको इस साल जॉब लेनी ही है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, बिकॉज 100% गवर्नमेंट इसको फिल करके जाएगी इलेक्शन से पहले, राइट? चलो अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका रिटन टेस्ट होगा और एक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। रिटन में आपके 3 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। देन रिटर्न का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 70-30 का, 70% आपका टेक पोर्शन रहेगा और ये नॉन टेक रहेगा, ठीक है? बट बी श्योर, आरएसएसएम भी है, बोर्ड है, इसका कोई भरोसा नहीं होता, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है? लास्ट टाइम जो पेपर आया था वो 65% टेक था और 35% नॉन टेक था, जो कि 2018 में आईए की वैकेंसी में आया था, ठीक है? ये इसको हो सकता है 70-30 दे दे, हो सकता है 80-20 कर दे, और हो सकता है 60-40 भी कर दे, 50-50 भी कर दे, ठीक है? तो बी श्योर आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखें, राइट? नाउ टेक में आपके सिलेबस अलग से सेपरेट दिया हुआ, सारा सिलेबस, नॉन टेक में ज्यादा सिलेबस नहीं दिया हुआ, सीधा सीधा उसने लिखा हुआ है। जनरल जो एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस होती है, एप्टीट्यूड में आपके दोनों चीजें आ गई, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है? नाउ बात कर लेते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग में दोनों हिंदी एंड इंग्लिश की टाइपिंग आपको करनी होगी, और दोनों के लिए जो स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी, सॉरी 20 वर्ड्स
पर मिनट, ठीक है। और ये कितनी कितनी देर का टाइम मिलेगा आपको दोनों के लिए, 15 मिनट इसके लिए और 15 मिनट इसके लिए। 15 मिनट में आपको 20 वर्ड्स पर मिनट इसमें लिखने हैं और 15 मिनट में 20 वर्ड्स पर मिनट इसमें लिखने हैं। इट मीन्स यानी कि 300 वर्ड आपको हिंदी के लिखने हैं और 300 वर्ड आपको इंग्लिश के लिखने हैं 15 मिनट में। नाउ सबसे अच्छी चीज ये है कि जो टाइपिंग है वो आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी जिस इसकी कोई मार्क्स नहीं है, इसकी कोई मार्क्स नहीं जोड़ने वाला। जैसे आपने इसको पास किया पहले रिटर्न में, अगर आप मेरिट में आ रहे हैं, ठीक है, देन आपको इसको सिर्फ पास करना है। मेरिट किससे बनेगी? आपके रिटर्न से बनेगी। आई होप क्लियर। नाउ बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता है 40% चाहिए, जो कि आपके जनरल सेंस में होते हैं, ठीक है। यानी 40% आपको चाहिए ही चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और सम स्पेशल कैसे, जैसे कि एसटीएम एससी, इसमें 36% मार्क्स आपको चाहिए 100%, राइट। बट एक बहुत अच्छा पॉइंट इस बार आसमी ने ऐड किया है, जो कि पिछली वाली जो भर्ती हुई थी कंप्यूटर टीचर की, उससे उन्होंने सबक सीखा कि पोस्टें खाली रह गई, ठीक है। तो इस बार एक प्रावधान किया है आपके ग्रेस पीरियड, ग्रेस मार्क्स का। जैसे कि आपको बोर्ड की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स मिलते थे 6 नंबर के, वैसे यहां पर 3 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलने वाला है अगर पूरी पोस्ट फिलअप नहीं हो रही होती है। 40% एंड 36% का जो क्राइटेरिया, उसके बाद अगर पोस्टें खाली रह जाती हैं तो फिर वो 3% ग्रेस मार्क्स देगा, जो कि आई थिंक सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा। अभी इस पे कोई बोर्ड ने कुछ क्लियर नहीं किया है, ये वक्त आने पर हमें पता चलेगा बाकी। बट फिर भी ये है कि 3 नंबर का आपको ग्रेस मिलेगा, राइट। नेक्स्ट नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, अभी तक तो। बट उस टाइम पे क्या हो कुछ कह नहीं सकते। पेंशन, पेंशन यस ऑब्वियसली आपको पेंशन मिलने वाली है इसमें, जो कि गवर्नमेंट ने भी ओपीएस लागू कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो उसके हिसाब से सभी एम्प्लॉयज को पेंशन मिल रही है। नाउ ग्रेड पे और सैलरी कितनी होगी भाई? पैसा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है लाइफ का, तो ये पता होना चाहिए कि कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो इसकी जो ग्रेड पे है वो है 2800, राइट। 2800 ग्रेड पे ये वैकेंसी है और प्रोबेशन में आपको मिलने वाले हैं 18,500 रुपए फिक्स पे पे। तो 18,500 रुपए आपकी इसमें रहेगी। देन जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी आफ्टर 2 ईयर प्रोबेशन के बाद, जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनने वाली है वो बनने वाली है आई थिंक 40,000 to 42,000। ये सिटी टू सिटी डिपेंड करेगा, क्योंकि जो सिटीज होती हैं उनमें जैसे सीसी वगैरह और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। बट ये मान लीजिए चलिए कि 40,000 आपको इन हैंड मिल जाएंगे। आई होप सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। आप इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पिक कर लूंगा। और हाँ, एक एज में जो बताना रह गया वो ये था कि जो 21 से 40 साल मैंने बताया था प्लस 3 साल कोविड के बताए थे, ये जो डेट्स होंगी वो कब से कैलकुलेट मानी जाएंगी, वो आपके एक एक 2024 तक आपने ये एज पूरी कर ली होनी चाहिए, राइट। 2023 नहीं, 2024 है नेक्स्ट ईयर, तो आपको और 1 साल का एक्सटेंशन इसमें मिल रहा है। ये सब कुछ क्लियर है आई थिंक। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सब आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के डाउट्स थे जो लोग कहीं ना कहीं पूछ रहे थे मुझसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। और चैनल पे काफी दिनों बाद वीडियो डाला है और इस चैनल को वापस एक्टिवेट किया है, तो वापस से जुड़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वापस से हम उसी एनर्जी के साथ उसी तरह से बहुत शानदार आपकी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। सारे वीडियोज आपको यहाँ टॉपिक वाइज मिलेंगे, तो आप अपना प्यार बनाए रखें मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।